मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है। उत्तराखंड और हल्द्वानी को लेकर एक विवादित बयान दिया है सौरभ जोशी ने। इस महाशय का कहना है कि हल्द्वानी और उत्तराखंड को इनकी वजह से लोग जानने लगे हैं। सौरभ जोशी का कहना है कि इनके वीडियो के थ्रू ही आज उत्तराखंड और हल्द्वानी को लोग जानने लगे हैं। इससे पहले हल्द्वानी और उत्तराखंड को कोई नहीं जानता था। सौरभ जोशी के इस कथन के मुताबिक हल्द्वानी और उत्तराखंड को कोई नहीं जानता था। अगर आज सौरभ ना होते तो शायद उत्तराखंड को और हल्द्वानी को आज कोई नहीं जानता। यानी अगर आज YouTube पर सौरभ जोशी ना होते तो हल्द्वानी और उत्तराखंड को आज कोई नहीं जानता। सौरभ जोशी का कहना है कि हल्द्वानी और उत्तराखंड को इनकी वजह से पहचान मिली है। यानी उत्तराखंड में इतने फेमस मंदिर हैं, आज तक उसको कोई जानता ही नहीं था, और चार धाम यात्रा को भी आज तक कोई नहीं जानता था। सौरभ जोशी ने अपने लेटेस्ट वीडियो में यही कहा है कि उनके वीडियो के थ्रू ही उत्तराखंड और हल्द्वानी को लोग जानने लगे हैं। सौरभ जोशी के इस विवादित वीडियो को लेकर उत्तराखंड के जनमानस में खासा रोष व्याप्त होने लगा है। बच्चे बच्चे तक अब सौरभ जोशी को ट्रोल कर रहे हैं। कई लोग सौरभ जोशी के इस वीडियो को लेकर मीम्स बनाने लगे हैं, और कई लोग सौरभ जोशी के ऊपर तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं पहाड़ों पर बंदरों और ब्लॉगरों का ही आतंक है। कई लोग कह रहे हैं कि आज तक सौरभ जोशी को कौन जानता था, ये तो हरियाणा का ही रहने वाला था, उत्तराखंड आकर ही इसकी पहचान बनी, ये क्या उत्तराखंड की पहचान बनाएगा। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि घमंड हद से ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए सटिया गया है। कई लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि कल को सौरभ जोशी ये भी कहेगा कि भारत को आज उन्हीं की वीडियो से लोग जानने लगे हैं। आखिर कौन है सौरभ जोशी? अगर आप सौरभ जोशी के बारे में नहीं जानते तो हम आपको बता दें, सौरभ जोशी एक यूट्यूबर है जो फालतू की रूटीन वीडियो बनाकर YouTube पर पोस्ट करते हैं। 2021 में जब लॉकडाउन लगा था तो किसी के पास कोई काम धंधा तो बचा ही नहीं था। लोग मच्छर मारते हुए सौरभ जोशी के वीडियो को देख लेते थे और टाइम पास हो जाता था, जिससे उन्हें कुछ सब्सक्राइबर मिल गए, जिससे सौरभ जोशी सातवें आसमान पर चढ़ गए। सौरभ जोशी अपने वीडियो में हमेशा घूमते रहते हैं और गाइस आज हमने मस्त नाश्ता किया जैसे बकवास पोस्ट करते हैं। खैर, सौरभ जोशी अपने आप को भले ही सुपरस्टार समझते हो, लेकिन उत्तराखंड को लेकर उन्होंने जो बातें की हैं उससे साफ साफ जाहिर होता है कि सौरभ जोशी अपने घमंड में चूर चूर हैं और वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते, ऐसा उनके सब्सक्राइबर्स भी कहते हैं जब वो अपने सब्सक्राइबर से बदतमीजी करते हैं। सौरभ जोशी के वीडियो पर आजकल अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, जिससे वो अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हैं। शायद यही वजह है कि सौरभ जोशी के अंदर इतना ज्यादा घमंड आ गया है कि वो किसी को कुछ नहीं समझते। आज उत्तराखंड को उनकी वजह से पहचान मिली, कल को वो ये भी कहेंगे कि भारत को भी उनकी वजह से ही पहचान मिली है। दोस्तों, सौरभ जोशी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लीजिए।